का विकास यूनिवर्सिटी में, और आज हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का साइज प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि अगर आपको पूछें कि करेक्टर जो डेटा टाइप है उसका क्या साइज है, ठीक है, इसका साइज होता है 1 byte। अगर जैसे कि इंटीजर, इंटीजर का कितना रहता है, इंटीजर का कितना साइज है, इंटीजर का साइज है 2 byte। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास डेटा टाइप है, जैसे कि करेक्टर है, इंटीजर है हमारे पास, ठीक है, लॉन्ग इंटीजर है हमारे पास, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, इन सब का क्या करेंगे हम साइज यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडर फाइल लगाएंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि रहेगी प्रिंट एफ स्कैन एफ के लिए। ठीक है, स्कैन एफ तो मैं यूज नहीं करूंगा, प्रिंट एफ यूज करूंगा मैं इस प्रोग्राम में, और प्रिंट एफ फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में प्रीडिफाइंड है। और मैं दूसरा जो है वो मैं लगाऊंगा इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर जो फाइल है इसमें गेट करेक्टर और क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वो मैं यूज करने वाला हूँ, वो प्रीडिफाइंड है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, अब एक void main मैंने फंक्शन लगाया, मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के अंदर मेरा पूरा प्रोग्राम बनेगा। यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए प्रिंट एफ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा टाइप। ठीक है, अब मैंने स्पेस के लिए मैंने क्या कर लिया, ये टी ले लिया यहाँ पे, जिसके लिए क्या होगी मेरी स्पेसिंग हो जाएगी, और मैं आगे साइज लेने वाला हूँ, और साइज किस में होगा मेरा, बाइट्स में होगा। ठीक है, साइज किस में मेरा रहेगा, बाइट्स में। ठीक, तो यहाँ पे मेरा ये मैंने टेबल की हेडिंग बना दी, टाइप और साइज, साइज मेरा रहेगा बाइट्स में। ठीक है, और अब मैं दूसरा देखिए यहाँ पे किस तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एन ले लूंगा, एन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं न्यू लाइन में जो मेरी हर जो साइज है वो न्यू लाइन में प्रिंट होता जाए एज ए टेबल की फॉर्म। ठीक है, यहाँ मैंने क्या करूंगा, वो सी एच आर ए सी टी करेक्टर, यहाँ मैंने करेक्टर ले लिया, और करेक्टर के बाद भी मैं क्या करूंगा, स्पेस के लिए टी मैंने डिफाइन कर लिया, और अब मैंने परसेंटेज डी यहाँ पे ले लूंगा क्योंकि एक इंटीजर की फॉर्म में मैं उनका साइज प्रिंट करने वाला हूँ, और प्रिंट और साइज लेने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, साइज ऑफ, यहाँ मैं किसका साइज प्रिंट करने वाला हूँ, करेक्टर का साइज। ठीक है गाइज, और वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के लिए मेरे पास ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से मैंने एडिट करके यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा मैं किसको, इंटीजर को कर ले लेता हूँ, यहाँ पे इंटीजर का साइज, ठीक है गाइस, आई एन टी आर इंटीजर। ठीक है, और चार्ट ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे स्पेसिंग के लिए क्योंकि इंटीजर थोड़ा छोटा है, यहाँ पे पूरा स्पेस आ जाएगा, ये वाला स्पेस भरने के लिए मैंने आर का स्पेस भरने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट ही लगा ली। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज डी रहेगा, और साइज ऑफ मैं किसका निकालने वाला हूँ, इंटीजर का, इंटीजर हम किस में लिखते हैं, आई एन टी में, तो जो थर्ड है मैं फिर से यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं साइज निकालूंगा किसका, इंटीजर के बाद लॉन्ग, लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है गाइस, लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग जिसको हम लॉन्ग इंटीजर बोलते हैं, लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पूरा हो गया, ओके देन। और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ लॉन्ग इंटीजर को हम कैसे लिखते हैं, एल ओ एन जी लॉन्ग और आई एन टी इंटीजर। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ प्रिंट एफ, अब मैं कौन सा लूंगा, अब मैं ले लेता हूँ फ्लोट को, तो फ्लोट एफ एल ओ ए टी, एफ एल ओ ए टी। ठीक है, फ्लोट, ओके, और इसको मैं परसेंटेज डी में साइज ऑफ कर लूंगा इसका,
फ्लोट, FLOAT फ्लोट, ठीक है। फिर से पेस्ट कर रहा हूं, और यहां पे मैं क्या करूंगा, डबल का ले लूंगा साइज, DOUBLE, ठीक है, डबल और टी, ठीक है गाइस, परसेंटेज डी साइज ऑफ डबल, DOUBLE डबल, ओके। उसके बाद मैं फिर से करने वाला हूँ पेस्ट, और कौन सा रहेगा मेरा, लॉन्ग रह गया, लॉन्ग डबल रह गया, लॉन्ग डबल को भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग डबल एम जी लॉन्ग DOUBLE, ठीक है, लॉन्ग डबल परसेंटेज डी साइज ऑफ लॉन्ग बी DOUBLE, ठीक है, लॉन्ग डबल। ओके गाइज, ये मैंने यहाँ पे करेक्टर का, इंटीजर का, लॉन्ग इंटीजर का, फ्लोट का, डबल का और लॉन्ग डबल का मैंने यहाँ पे साइज प्रिंट करने वाला हूँ कि कितना होगा इनका साइज, वो मुझे सी का कंपाइलर खुद ही बताएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कितना है, तो मैंने साइज ऑफ फंक्शन के थ्रू उनका साइज मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो एक बार रन कर लेते हैं। वन टू फोर सब ठीक आ गया है, बट यहाँ पे ये न्यू लाइन में नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि हमको न्यू लाइन में चाहिए, न्यू लाइन में नहीं आया अभी तक, न्यू लाइन के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने वैसे न्यू लाइन के लिए ये किया था बट नहीं आया, फिर ये वाला कर लेता हूँ, देखते हैं। यहाँ पे भी मैं ये ले लेता हूँ, न्यू लाइन ले लेता हूँ, और यहाँ पे न्यू लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे ये स्पेस के लिए मुझे टीटी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ जो कंपाइलर वो लेते हैं टाइप साइज, मैंने स्पेसिंग के लिए टीटी लगाया था, डबल DOUBLE डबल, एंड ये देखिए, ठीक है। एक बार फिर से करके देखते हैं, कंट्रोल प्लस F9, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप और साइज, ठीक है, टाइप मेरा करेक्टर टाइप जिसका साइज है वन, जो ये वन मैंने बाइट्स में लिया हुआ है, इंटीजर 2 bytes का होता है, लॉन्ग इंटीजर 4 bytes का होता है, फ्लोट 4 bytes का होता है, डबल 8 bytes का होता है, और लॉन्ग डबल हमारे पास 10 bytes का होता है, ठीक है गाइस। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके किसी भी हम अपने डेटा टाइप का साइज शो कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या खुद अगर आपको नहीं पता हो किसी डेटा टाइप का साइज, तो आप खुद ही साइज ऑफ से उस डेटा टाइप का साइज जान सकते हो, ठीक है गाइज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और विकास यूनिवर्सिटी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।